खेलने के लिए नहीं आता है, तो मैं ये डंडी रखा हूँ सहारे के लिए। कहीं आगे जाने से पहले वहाँ पे मैं पानी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए वो लोग उस साइड से मेरी ओर आने वाले हैं। देखिए तैर करके कितना पानी है वहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू जटार ब्लॉग्स। तो जैसा कि इस ब्लॉग में मैं आपको हेलने के लिए सिखाऊंगा, मैं खुद हेलने नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी इन दोनों एक्सपर्टों से आप राय ले करके आप लोगों को वीडियो क्लास तक बने रहे, आप लोगों को पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। मुझे कुछ कहना व्यर्थ होगा क्योंकि मुझे तो हेलना आता नहीं है। देखिए इस साइड में ही कितना पानी है, किस तरह से हेला जाता है जरा सा हमारे दर्शक को कुछ बताइएगा। हाथ को दबाना पड़ता है, ठीक है, और शरीर को ऐसे रख के प्रेस करिए। देखिए कितना, देखिए बहुत ज्यादा पानी है वहाँ पे, फिर भी ये लोग पूरा उस साइड चले गए और मैं इसी साइड रह गया क्योंकि मुझे हिलना नहीं आता और इसके सहारे मैं सपोर्ट में रखा हूँ मैं। देखिए 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 वो लोग कहाँ तक जा रहे हैं। आप देखिए वहाँ दूर वो दूसरी ओर किनारे पहुँच चुके हैं, वहाँ पे देखिए, और मैं इसी किनारे पे रह गया हूँ। देखिए देखिए वहाँ पे उस साइड पहुँच चुके हैं अभी तक, बीच में यहाँ पे नदी में बहुत पानी है बीच में, और उस साइड देखिए इस साइड कम पानी है, उस साइड भी कम पानी है, लेकिन बीच में इसे टपना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं नहीं टपूंगा। और वापस वो लोग फिर से उस साइड से इस साइड आने वाले हैं। ये दूसरा बैक फ्लिप मारते हुए, या भैंस का पर्रू का बच्चा कूदा जैसे वैसे कूदा। देखिए आ गया वहां से हिलते हुए, दोनों थक गया है। कितना पानी है, ओ जी ये है हिलते हैं। किनारे कोसी ये पानी में मैं हूँ, मुझे हिलने के लिए नहीं आता, मैं एक एक्सपर्ट से हूँगा हिलने के लिए और मुझे सिखाएगा भी हिलने के लिए, क्योंकि मेरा घर कोसी किनारे साइड होने के बावजूद भी मैं कभी हिल नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत शर्मनाक बात होती है कहीं भी जाने के बाद, ये बहुत गिल्टी फील होता है कि कोई कई लोग कहते हैं कि कोसी किनारे रहने के बावजूद भी तैरने के लिए नहीं सीख पाया, तो यही बात को मैं दूर करने के लिए मैं अभी जो यहाँ का एक्सपर्ट है हिलने में, जो कि यहाँ से वहाँ तक इसको हिलने में कोई दिक्कत नहीं रहता है, तो मुझे कुछ हो भी जाएगा तो दो है, एक कैमरा मैन इसे भी बहुत अच्छे तरीके से होता है हिलने के लिए, सबको मुझे बचा लीजिएगा। नाव का भी व्यवस्था देखिए, और यहाँ पे नाव का भी व्यवस्था है, जो कि कुछ ऐसी घटना होगी तो इसका भी उपयोग किया जाएगा, और नाविक सब वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तो एक्सपर्ट की राय सुनते हैं और जैसा जैसा ये बोलते हैं वैसा वैसा हम लोग करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कैसे, मतलब आप अपनी राय रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इनको बताना चाहता हूँ अभी फर्स्ट स्टेप क्या है। तो आप पहले ऊपर रहिए, आगे चलिए, आगे आगे, ठीक है। तो आपको जैसे बता रहा हूँ, सिर्फ पानी में इसना है, बैठ गए, टांग सीधे करना है, पीछे पैर सीधे करना है, ठीक है, और पानी को सीधे अपने पीछे ऐसे ढकलना है, ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, पानी से नीचे रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे सांस को रोक रोक करके थोड़ा थोड़ा के मतलब छोड़ना है, ठीक है। आप वहाँ पे रहिए, तो मैं जैसा कि इन्होंने दिया है तो उनका मैं फॉलो कर रहा हूँ, और आप बताइए कि जरा से मैं उसको कैसे ऐसे ऊपर नहीं करने, आई विल ट्राई, मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूँ। तो इन्होंने पहले कहा कि इसे पहले हाथ कर लें, उसके बाद चलो सोने के लिए पैर ऊपर कर लो, इसे करने के लिए अंदर ही अंदर दोनों हाथों में आना चाहिए। वीडियो का आनंद लीजिए, बने रहिए। भाई शहर में लहर तूफान, पानी पूरा ठंडा, हेलने से ज्यादा ऐसे ही मजा आ रहा है। आपको मैं भी दिखा रहा हूँ जा रहा में। देखिए इसका वहां इतना पानी है, यहाँ पे देखिए इतना पानी है, देखो कितना पानी में जा करके भी ऐसे खड़ा। मैं एक्सपर्ट से बोलूंगा एक बार हेल करके दी मुझे दर्शकों को, तुमको मेरे सारे दर्शकों को देखिए कितना पानी है वहाँ पे, जरा पानी OMG कितना पानी है, देखिए वहाँ पे मेरी जाली से फट रही है, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा।
तो जैसा कि इन्होंने कहा था, मैं वैसे फिर सेकेंड बार में करता हूँ। हाँ बेस्ट बेस्ट, काश मैं इसके तरह बन पाऊंगा, कोशिश करता हूँ। वीडियो का ये फर्स्ट है, सेकेंड चैप्टर भी आएगा, थर्ड चैप्टर भी आएगा सीखने के लिए। सीखने के लिए फ्रेंड, बाय बाय टाटा। तो मैं देखिए तो मिलते हैं वीडियो में। कमेंट्स ऑन चैप्टर 2, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों।